सरमायादार और सियासतदान जो मजहबी और लिसानी अकलियतों के कॉलेज कायम करते हैं उनका मकसद सिर्फ दौलत हासिल करना होता है। अगर तालीम और हुसूले तालीम की खरीदो फरोख होने लगती है तो इखलास और तालीमी माहौल भी बरकरार नहीं रह पाता और तालीम भी अपना तकद्दस खो देती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेजों में बरसा बरस से यही हो रहा था। अकलियती इदारों पर बेशतर लोग कब्जा करके सिर्फ दौलत कमाने का काम कर रहे थे। दस्तूर हिंद ने जिन मजहबी लिसानी अकलियतों को तालीमी इदारे कायम करने के हुकूक दिए थे वहाँ सकाफती ज़रूरतों पर तवज्जो नहीं दी जा रही थी और बदउनवानी भी बढ़ती जा रही थी। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट की सह रुकनी बेंच तक पहुँच गया है। अब रोज़नामा इंकलाब ने एक मजमून शाया किया है जिसकी सुर्खी कुछ इस तरह है, तालीम चाहे सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में दी जाए या प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों में बेहतर सूरत अहमियत की हामिल होती है। शर्त यह है कि पढ़ने पढ़ाने वालों के दिलों में इखलास हो और इस इखलास के असरात स्कूल और कॉलेज के माहौल से नुमाया हो। अगर तालीम और हुसूले तालीम की खरीदो फरोख्त होने लगे तो यही नहीं कि इखलास और तालीमी माहौल बरकरार नहीं रह पाता बल्कि तालीम अपना तकद्दुस भी खो देती है। प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में बरसा बरस से यही हो रहा था। मजहबी और लिसानी अकलियतों ने जो कॉलेज कायम किए थे उनका भी यही हाल था। तकर्री से दाखिला तक यहाँ बहुत कुछ ऐसा ही होता था जिससे दस्तूर और इंसाफ दोनों की रूह पर जर्ब पड़ती थी। सरमायादार और सियासतदार तो कॉलेज खोलते ही इसलिए थे कि दौलत बटोर सकें। अकलियतों के इदारों पर काबिज होकर भी बेशतर लोग यही करते थे। यहाँ एक फ़ायदा ज़रूर होता था कि जितने रुपए देकर अकलियती फ़िरकों के तलबा पढ़ाई मुकम्मल कर लेते थे इतने रुपए अदा करके दूसरे कॉलेजों में नहीं पढ़ सकते थे, मगर इस फ़ायदे से वो मकासद पूरे नहीं हो सकते थे जिन मकासद के लिए दस्तूर हिंद ने मजहबी लिसानी अकलियतों को तालीमी इदारे कायम करने के हुकूक अदा किए थे। सकाफ़ती ज़रूरतों पर तवज्जो नहीं दी जाती थी और फिर बदउनवानी की शिकायतें थीं कि बढ़ती ही जा रही थी। बिलआखिर यह मामला मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता हुआ सुप्रीम कोर्ट की सह रुकनी बेंच तक पहुँचा और जजों ने फैसला सुनाया कि अकलियतों और सरकारी इमदाद ना हासिल करने वाले अनएडिड इदारों में भी दाखिले नेट की बुनियाद पर ही होंगे। नेट कौमी सतह का एक टेस्ट है जिसका मकसद ये मालूम करना है कि दाखिले का ख्वाहिशमंद दाखिले का अहल है भी या नहीं और जो अहल हैं उनके दरमियान उसकी क्या हैसियत है। जब हुकूमत ने यह जाब्ता बनाया था तभी से प्राइवेट और सरकारी और इमदाद ना हासिल करने वाले इदारे शोर मचाने लगे थे कि हमारे हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। दस्तूर ने हमें ये हुकूक दिए हैं कि हम तालीमी इदारे कायम करें और चलाएं। 2013 में जस्टिस अल्तमिश कबीर ने यह फैसला सुनाया कि नेट खत्म कर दिया जाए। 3 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने नज़र-ए-सानी पिटीशन की इजाज़त दी, मगर ये सवाल बरकरार रहा कि मजहबी और लिसानी अकलियतों के वो इदारे जिन्हें हुकूमत से इमदाद नहीं मिलती क्या नेट की बुनियाद पर दाखिला देने के पाबंद हैं। इस मसले में 1-2 नहीं 76 पिटीशन दायर की गई थी। जस्टिस अरुण मिश्रा, विनीत कर्ण और MR शाह ने तमाम पिटीशन खारिज करते हुए कहा, नेट की बुनियाद पर दाखिला करने का पाबंद होने से डेंटल और मेडिकल कॉलेजों के वो हुकूक सल्ब नहीं होते जो मजहबी और लिसानी अकलियतों को दस्तूर हिंद की दफ़ा 19A, B और दफ़ा 30 में दिए गए हैं। जस्टिस साहिबान ने दस्तूर की दफ़ा 25, 26 और 29A के भी हवाले दिए और लिसानी मजहबी अकलियतों के कायम किए हुए मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में चाहे वो एडिड हों या अनएडिड नेट के निफाज को भी ज़रूरी ठहराया। जस्टिस साहिबान ने अकलियती इदारों में दाखिलों के सिलसिले में की जाने वाली बेजाब्तगियों और बदउनवानियों का खास तौर से जिक्र किया और लिखा कि उनको ख़त्म करने के लिए नेट की पाबंदी ज़रूरी है। बेंच का ये तबसरा बहुत अहम है कि नेट की बुनियाद पर दाखिला देने से अकलियती इदारों के हुकूक पर ज़र्ब नहीं पड़ती बल्कि इन इदारों में जिस किस्म की बदउनवानी का इर्तिकाब किया जा रहा है उसको देखते हुए और कौमी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए नेट की बुनियाद पर दाखिला देने की पाबंदी का फैसला ज़रूरी था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब कौमी मफाद में कोई कानून पास किया जाता है या ज़ाब्ता तय पाता है तो तमाम इदारों में नाफिज होना ज़रूरी है। इस फैसले को वसी तर तनाजुर में देखा जाए तो यही नतीजा बरामद होता है कि किसी भी तालीमी इदारे को इस बुनियाद पर मनमानी करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो किसी लिसानी और मजहबी अकलियत ने कायम किया है या इसको हुकूमत से कोई माली इमदाद नहीं मिलती।
आज भी ऐसे गैर हजरात की कमी नहीं है जो अकलियती तालीमी इदारों को करोड़ों की इमदाद देते हैं, मगर कॉलेज इंतजामिया हमेशा यही रोना रोता है कि हुकूमत की इमदाद ना मिलने के सबब शायद परेशानी लाहक है। अकलियती तालीमी इदारों को एडमिशन यानी दाखिले के अलावा जो हुकूक हासिल हैं उनका इंतहाई गलत इस्तेमाल हो रहा है। वो दिन भी दूर नहीं कि कॉलेज अमला में इंतजामिया के पसंदीदा और गैर पसंदीदा का मसला भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचेगा। ये मामला अब ढका छुपा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेजों में किसको कितनी तनख्वाह दी जाए उसका ताउन कॉलेज इंतजामिया असबियत और मफाद की बुनियाद पर करती है। मुश्किल ये है कि कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ अगर कोई उस्ताद या कोई दूसरा स्टाफ मेंबर अदालत का दरवाजा खटखटाता है तो उसको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, मगर कॉलेज इंतजामिया अपना दिफा कॉलेज के फंड से करता है। इसके अलावा कॉलेज इंतजामिया के पास जायज़ और नाजायज रसूख भी होते हैं जिनका इस्तेमाल वो अपने स्टाफ को मजबूर करने के लिए करता है। एक सवाल ये भी बड़ी अहमियत का अहमील है कि क्या लिसानी मजहबी अकलियतों को सिर्फ इदारे कायम करने और उनको चलाने के इख्तियार दिए गए हैं या उनके कुछ फ़राइज़ भी हैं। जो लोग मजहबी लिसानी अकलियत होने के नाम पर इदारे कायम करते हैं मगर उनके लिसानी और मजहबी किरदार के तहफ़ में ताउन करने से गुरेज करते हैं, क्या वो दस्तूर की रूह का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं? जानिबदारी और बदउनवानी हर इदारे के लिए नुकसानदा मगर अकलियती इदारे के लिए कुछ ज़्यादा ही नुकसानदा है। अदालत और हुकूमत के किरदार का मुहाजबा करते हुए कॉलेज इंतजामी के किरदार और तरीक़ा कार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब किसी तालीमी इदारे के सरबरा के जहन में ये बात घर कर जाती है कि सारे इख्तियार तो हमारे पास हैं, हमारा अमला या कोई और शख्स क्या कर लेगा, तो फिर लोग अदालतों के दरवाजे खटखटाते हैं और ऐसे फैसले आते हैं जिनसे अकलियतों के हुकूक पर ज़र्ब पड़ती है। मगर इसका मौका कौन देता है? कई सियासतदान और वज़रा जेल की हवा खा चुके हैं। अच्छा है कि प्राइवेट कॉलेजों की इंतजामिया का भी गला ना पा जाए। तो ये था नाज़रीन रोज़नामा इंकलाब में शाया मज़मून, जिससे ज़ाहिर होता है कि जिन मकासद के लिए दस्तूर हिंद ने मजहबी लिसानी अकलियतों को तालीमी इदारे कायम करने के हुकूक अदा किए थे वो इन मकासद को पूरा करने के लिए खड़ा नहीं उतर पाए हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अकलियतों और सरकारी इमदाद ना हासिल करने वाले अन एडिड इदारों में भी दाखिले नेट की बुनियाद पर ही होंगे। यकीनन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला काबिल तारीफ़ है। युसरा अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली।